मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 13 बारातियों की मौत। राजगढ़ में हुए हादसे पर राष्ट्रपति ने जताया शोक, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुए हादसे पर डीएम का बयान, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सरकार मदद से कराया जा रहा इलाज। जम्मू कश्मीर के रामनगर में वन विभाग में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में गिरफ्तार डॉक्टर आकाश की जमानत पर आज सुनवाई, बेबी केयर सेंटर होम में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हुई थी। यूपी के बांदा में स्टेट बैंक ऑफ लाइफ की बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चलती कार में अचानक लगी आग, कार सवार परिवार ने कूद कर बचाई जान। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंद दिया, युवक की मौके पर मौत हो गई। यूपी के महोबा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। यूपी के बलिया में ईवीएम की निगरानी में लगा गठबंधन, मतगणना स्थल के भीतर स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में है। पश्चिम बंगाल के 2 मतदान केंद्रों पर आज फिर से डाले जाएंगे वोट, बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिया आदेश, बासारात और मथुरापुर में लोकसभा में है दोनों बूथ। चुनाव के बाद संदेश खाली, हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी से मांगी रिपोर्ट। संदेश खाली में 7वें फेस में वोटिंग के पहले और बाद में हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जवाब मांगा है। उधर लोकसभा चुनाव के बाद संदेश खाली में पुलिस और महिलाओं में हुई थी झड़प, राज्यपाल ने ममता से की है हस्तक्षेप की मांग, साथ ही चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चिंता भी जताई है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग आज दोपहर 12:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों के वोटिंग प्रतिशत को लेकर मतगणना पर जानकारी दे सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल और कई अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपने कई मुद्दों पर बातचीत रखी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले इंडी गठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल भी चुनाव आयोग से मिला है। चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी है, कहा पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी हो। कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ वोटों की गिनती को लेकर चर्चा की। यह तीसरी बार है जब कई दलों का गठबंधन चुनाव आयोग पहुंचा। संदेश खाली में टीएमसी की गुंडाई पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा दावा, कहा बंगाल पुलिस टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर लोगों को धमका रही है, 4 जून के बाद वो सभी महिलाओं को विधवा बना देंगे। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, मृतक के रिश्तेदारों ने टीएमसी के गुंडों पर हत्या का आरोप लगाया है, जगह जगह प्रदर्शन, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की अवधि बढ़ाई, अब 6 नहीं 19 जून तक राज्य में तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां। मतदान के बाद हिंसा की घटना के मद्देनजर चुनाव आयोग का फैसला। सिक्किम में एसकेएम की जबरदस्त बहुमत से सत्ता में वापसी, 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की। 25 साल सत्ता में रही सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को महज 1 सीट पर ही जीत मिली, वहीं बीजेपी कांग्रेस और सीएपीएस अपना खाता तक नहीं खोल पाए। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एसकेएम और को सीएम प्रेम कुमार सिंह तमांग को जीत की दी बधाई, कहा सिक्किम के विकास के लिए साथ करेंगे काम।